हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नीशियम रिबन के बारे में और पता लगाएंगे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम एक मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। जैसा कि आपको इस सीरीज़ में दिख रहा होगा, ऊपर के जितने भी मेटल है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। नीचे आते आते इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती गई है। ऊपर के जितने भी मोस्ट रिएक्टिव मेटल हैं, इनको हम एयर में एक्सपोज नहीं कर सकते, नहीं रख सकते खुले में, बिकॉज एयर में ऑक्सीजन होता है। ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल उनसे रिएक्शन कर लेंगे और आग भी लग सकती है या फिर आपका सब्सटेंस खराब भी हो सकता है। तो जितने भी मोस्ट रिएक्टिव मेटल है उनको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, बिकॉज वहाँ पे वो रिएक्शन ना कर पाए। 1 मार्क का क्वेश्चन है कि जितने भी मोस्ट रिएक्टिव मेटल है उनको कहाँ रखा जाता है। तो आप दोगे आंसर केरोसिन ऑयल के अंदर। मैग्नीशियम एक मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। जैसे इसको हम बाहर निकालेंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए या फिर केमिकल रिएक्शंस करने के लिए, तो ये क्या करेगा, ये आपका मैग्नीशियम है और इसके आसपास क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है तो ये जल्दी से क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा और इसके ऊपर अब ऑक्साइड की एक लेयर आ जाएगी। अब ये लेयर इसको प्रोटेक्ट करेगी। अब ये फर्दर रिएक्शन नहीं कर सकता क्योंकि इसके ऊपर ये ऑक्सीजन की ऑक्साइड की लेयर आ गई है। ये लेयर इसको प्रोटेक्ट कर रही है, ये इसको रिएक्शन नहीं करने देगी, बट हमें इसको बर्न करना है तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पहले साफ़ करेंगे, सैंड पेपर की हेल्प से ऑक्साइड की लेयर को हटाएंगे और जब ये हट जाएगा फिर इसको हम बर्न करेंगे। बर्न करने के बाद क्या होगा, बर्न कब करते हैं, विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये आपका मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हमने क्या किया, बर्न किया। बर्न करने के बाद ये क्या करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये क्या है, ये ऐश है, ये राख है, जिसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो यहाँ पे एक फ्लेम बनता है, वो भी वाइट कलर का, बहुत डेजलिंग फ्लेम बनता है और जो इसका राख बनता है वो भी वाइट कलर का होता है। सो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इंटू अ वाइट पाउडर, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे इसको बर्न किया, ये उसका राख बना और जब इसको बर्न करते हैं तो डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलता है और इसका राख भी वाइट कलर का होता है। यहाँ पे मेन चीज़ है कलर। यहाँ पे कलर याद रखना, वाइट की बात हो तो वो हमेशा मैग्नीशियम होता है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है कैसे बना है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से। अब बताओ क्या ये केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पे बिल्कुल हुआ है क्योंकि जब हमने मैग्नीशियम को बर्न किया तो यहाँ पे कुछ न्यू सब्सटेंस बने। वो न्यू सब्सटेंस का नाम क्या, एक तो गैस निकली होगी यहाँ से, हम किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं वहाँ से धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, गैस निकला, लाइट बना, ये न्यू पाउडर बना, तो यहाँ पर बहुत सारे न्यू सब्सटेंस बने हैं, इसलिए केमिकल रिएक्शन है। इस टॉपिक से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि आपके इंटेक्स का क्वेश्चन भी है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम को जलाने से पहले साफ़ क्यों किया जाता है। जैसा कि आपको पता है मैग्नीशियम एक मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। ये आपका मैग्नीशियम है, इसके आसपास ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। जैसे मैग्नीशियम को बाहर निकालेंगे ये अपने आसपास के ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा और इसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर आ जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा और ये ऑक्साइड की लेयर इसको अब आगे रिएक्शन होने से रोकती है, बचाती है एक तरह से इसको। मैग्नीशियम अब रिएक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर है, इसलिए फिर इसको साफ़ करेंगे ताकि आगे रिएक्शन कर पाए। मैग्नीशियम इज़ अ मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर एंड फॉर्म्स अ लेयर ऑफ ऑक्साइड। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और इसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर आ गई। इट्स सरफेस दिस लेयर इंटरप्ट इन द फर्दर रिएक्शन, और जो ये लेयर है अब आगे उसको रिएक्शन नहीं होने देंगी। सो मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग, इसलिए जलाने इससे पहले इसको हम सैंड पेपर से साफ करते हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, एन एलिमेंट एक्स बर्न्स इन एयर विद अ डेजलिंग फ्लेम एंड फॉर्म्स अ वाइट एश। एक एलिमेंट एक्स है, उसको बर्न किया, बर्न करते समय डेजलिंग फ्लेम भी आती है और वाइट एश बनता है। मैंने आपको बताया था कलर याद रखना, मेन कलर क्या है, वाइट। नेम द एलिमेंट एक्स, जहाँ वाइट कलर की बात हो तो उस एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। नेम द वाइट एश, एश का नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। राइट द केमिकल इक्वेशन, ये रहा मैग्नीशियम, इसको बर्न किया ऑक्सीजन में तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अभी देखो ये अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे भी एक है, ऑक्सीजन टू है, यहाँ पे ऑक्साइड एक है, तो इसे क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई, ये हो गया और यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, तो ये जो आपका हो गया बैलेंस्ड हो गया।